हेलो एवरीवन, 2024 के छठ पूजा की एक बार और आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, यानी अभी संध्या छठ का दिन है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है और मैं अभी हूँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास में पड़ने वाले पांचवें पुस्ते के पास, जहाँ पर छठ घाट बनाया गया है और बड़े धूमधाम से आज संध्या का अर्घ यहाँ पर दिया गया है। लेकिन मैं पहुँचा हूँ लेट। अभी लेट पहुंचने का कारण क्या है, क्योंकि हमको जॉब करते हैं और जॉब करके ही हम ब्लॉग भी शूट करते हैं, तो आज मुझे हो चुका है लेट, ठीक है, संध्या छठ पूजा वाले में। लेकिन फिर भी मैं पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाला हूं कि शाम का कैसा माहौल है यहां पर, कैसे पूजा की जाती है, ये सब कुछ दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, ठीक है, छठ पूजा का तीसरा दिन है, यानी आज संध्या छठ का दिन है। आज आपका डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है और कल आपका छठ पूजा का चौथा दिन है, यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद जो महिलाएं 36 घंटे का लगातार निर्जला व्रत रखती हैं, वो उसके बाद पारण करेंगी अपना। और आज देखिए आप लोग कैसा माहौल है शाम का, ये मैं पूरी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का आपका पांचवा पूजता है, जो खजूरी खास के पास पड़ता है, और यहाँ पर आपका छठ पूजा का जो त्यौहार है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए अभी तो शाम का जो अर्घ है वो दिया जा चुका है, लेकिन मैं अब सुबह पहले आने की कोशिश करूँगा और पूरा आपको जो पूजा होता है वो दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल में यहाँ ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पर तो पूरी रात ऐसे रहते हैं, लोग टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और मेला यहाँ पर चारों तरफ लगा हुआ है और काफ़ी दूर से चूँकि लोग आते हैं, तो जो लोग दूर से आते हैं वो यहाँ पर शिविर जो बना हुआ है, टेंट जो लगा हुआ है, उसी में रात को रुकते हैं। और फिलहाल में देखिए माताएं जो छठ पूजा का व्रत रखी हैं वो यहीं पर अभी 10 से 11 बजे तक रुकती हैं, उसके बाद टेंट में चले जाते हैं, वो लोग रात में टेंट में ही रुकते हैं और सुबह का पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर को जाते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है कि यमुना नदी के किनारे तो छठ पूजा किया नहीं जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर मैं 3-4 साल से लगातार देख रहा हूँ ऐसे ही छठ घाट बना के, और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, छठ माता की पूजा की जाती है। और देखिए यहाँ पर सिविल डिफेंस की भी तैनाती हुई है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी देखिए बहुत ही बड़ा छठ घाट यहाँ पर बनाया गया है। और मैं बाहर दिखाऊंगा, बाहर मेला सा लगा हुआ है, तो उधर भी चल के एक्सप्लोर करेंगे अपन लोग। इसके लिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। 3 से 4 साल हो गए मैं छठ पूजा में, 4 साल हो गए, 4 साल पहले मैं अपने छठ पूजा में अपनी पूरी फैमिली के साथ में सम्मिलित नहीं हुआ था, अभी नहीं जा पा रहा हूँ। देखिए फैमिली को चलाने के लिए काम करना भी ज़रूरी है, तो वजह यही है और कुछ नहीं है। बाकी देखिए पूरे छठ घाट को कैसे सजा रखा है, और जब माताएं बहनें बैठती हैं और छठ माता के जब गीत गाती हैं ना, तो उस टाइम का माहौल अलग ही होता है। और जो आप लोग पानी देख रहे हैं उसी पानी में माताएं 3-3, 4-4 घंटे खड़ी रहती हैं। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि कल आऊं, थोड़ा पहले आऊंगा। देखिए लोग क्या है ना कि सुबह 4 बजे ही निकल जाते हैं, 4 बजे 3 बजे घर से निकल जाते हैं, और जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक यहीं पर रुकते हैं और पूजा होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो लोग दूर दराज से आते हैं उनके खाने पीने की, रहने की पूरी व्यवस्था भी की जाती है। और इधर देखिए
इधर ऊँट वगैरह की सवारी भी आप कर सकते हो और बच्चों के मनोरंजन के सारे साधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो लोग देखिए पास से आते हैं, जिनका घर आसपास ही है, वो लोग तो चले जाते हैं, ठीक है, अभी चले जाएंगे, और वो लोग वापस से सुबह के टाइम में आ जाते हैं। लेकिन जो लोग दूर दराज से आते हैं वो लोग नहीं जाते हैं, वो लोग बताया मैंने शिविर बना हुआ है, उन शिविरों में रुक जाते हैं और सुबह के वक्त ही यहाँ से जो सूर्योदय में जो आपका उगते हुए सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है, अर्घ देने के बाद ही वो अपने घरों को जाते हैं। लेकिन लोगों का देखिए आना जाना लगा हुआ है और मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ सुबह यानी उषा अर्घ वाले में, और कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा पहले आऊँ और पूरा पूरा कवर करूँ उसमें। तो जय हो छठ मैया, जय हिंद, जय भारत एन वंदे मातरम।